हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, आपका सीटेट का रिजल्ट आ गया है जो ऑफिशियल हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सबको पता होगा कि सीटेट की ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर दी गई है। कैसे आप अपने आंसर को मैच करेंगे, कैसे आप जानेंगे कि आपका जो आपने आंसर लगाया था वो आंसर शीट कैसे आप डाउनलोड करेंगे, तो आज इसी बात पर हम चर्चा आपसे करने वाले हैं। देखिए, ये जो आपको लिखा है सर्च और टाइप यूआरएल, यहाँ आपको लिखना है सीटेट। क्या लिखना है? सीटेट, सीटेट, ठीक है प्यारे साथियों। और सीटेट लिख करके आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सीटेट लिख करके सर्च करेंगे तो आप ऐसे सबसे पहले देखिए लिखा है CTET.NIC.IN, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो ये पेज ओपन होगा। अब देखिए, ये आपका CTET का ऑफिशियल पेज है। आपको नीचे आना है, नीचे स्क्रॉल करना है। देखिए, यहाँ लिखा है 7 फरवरी 2024, टाइम भी चल रहा है। फिर नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए आना है, ठीक है। यहाँ लिखा है पब्लिक नोटिस डेटेड सीटेट जनवरी 2024 की चैलेंजेस, ठीक है। आपको ऐसे नीचे आते हुए जाना है और नीचे आ जाना है आपको ऐसे। यहाँ लिखा है व्यू ओएमआर कैंडिडेट एक्टिविटी में जब आप आएंगे, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ये है कैंडिडेट एक्टिविटी। जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको व्यू ओएमआर सबमिट की चैलेंज और सीटेट जो जनवरी 2024 का ऑप्शन दिखा रहा है, आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपका पेज ओपन हो रहा है। अब देखिए, ये दिखा रहा है द सर्विस इज अनअवेलेबल, इसका मतलब ये साइट बहुत बिजी चल रही है। इसको थोड़ा सा हम लोग रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या खुलता है कि नहीं। रिफ्रेश करके हम लोग इसको ट्राई करते हैं, चलिए देखते हैं ये पेज खुल रहा है कि नहीं। सर्वर जो है इस समय बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी तुरंत रिलीज हुई है, इसलिए काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो परेशान मत होइएगा, प्रयास करिएगा तो खुल जाएगा, आज नहीं तो कल आराम से खुल जाएगा। इसके लिए बहुत परेशान मत होइएगा। बिल्कुल देखिए, यही पेज आपका खुल गया है जिस पेज की मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर, जो भी आपके एडमिट कार्ड में आपको रोल नंबर दिया है, वो रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन पे आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे प्रेस करेंगे, आपकी ओएमआर सीट जो है आंसर के साथ आ जाएगी और जो आंसर की है वो भी आ जाएगी, और फिर आप मैचिंग कर सकते हैं कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। बात आती है कितने नंबर बढ़ेंगे कितने नंबर नहीं बढ़ेंगे। ये सीटेट ने कोई ऑफिशियल ऐसी कोई सूचना नहीं दी है कि कॉमन नंबर हैं या नहीं है, बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। अब ये तो रिज़ल्ट में ही पता चलेगा। या सीटेट अलग से कोई अगर घोषणा करता है कि कॉमन नंबर दिया जाए कि ना दिया जाए, तो ये सीटेट की तरफ से ऑफिशियल अनाउंस किया जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर आपका रिज़ल्ट जो है, उम्मीद जताई जा रही है कि 21 फरवरी के आसपास सीटेट का रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर 21 फरवरी तक सीटेट का रिज़ल्ट आ जाता है तो BPSC टायर 3 में बहुत सारे भाई बंधु जो है वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बड़ी उम्मीद के साथ वो लोग जो तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि BPSC टायर 3 जो मार्च में है, अगला टायर 4 अगस्त में होगा, तो उनके लिए दोनों ही बहुत ही क्रूशियल टाइम है। तो इसलिए आप लोग यहां से मैच कर लीजिए। और अगर आप पास हो रहे हैं, अगर आप 90+ मार्क्स गेन कर रहे हैं, तो आप जो है तुरंत आप BPSC का फॉर्म फिल करिएगा। लेकिन रिज़ल्ट को ध्यान में रखते हुए कि रिज़ल्ट जो है कहीं ना कहीं वो 21 फरवरी के अगर पहले आ जा रहा है, 22 तक आ जा रहा है, तो ठीक है। 22 को भी अगर सुबह आ जाता है तो आप 22 को शाम तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, ये थी महत्वपूर्ण सूचना। और आपको चैनल पर जो है सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और वहाँ अपनी भागीदारी को और मजबूत बनाइए। क्योंकि जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, उतना ही आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल मिलेगा। क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको मजबूत बनाती है, चाहे जितना आप पढ़ लें,
पढ़ने से आपको चीज़ें भूल जाती हैं, जब आप बार बार उसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस से चीज़ें आपको बहुत ही मजबूती के साथ जो है आपके दिमाग में सेव हो जाती हैं, कॉन्सेप्ट आपके प्रैक्टिस से क्लियर हो जाते हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।